दोस्तों देखिए कैसे ग्लो हो रहा है। हेलो गाइज, मैं हूं प्रकाश और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का मॉडल, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। दोस्तों तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को हम बताते हैं। तो गाइज, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का मॉडल, देखिए। तो गाइज आइए मैं इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये जो वुड का दिख रहा है स्ट्रक्चर, यानी कि ये इसका बेस है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले बेस को बनाया जाता है दोस्तों। और ये जो वुड दिख रहा है वो टरबाइन को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है, देखिए। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये मोटर है। और जो बड़ा वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होता है यहाँ पे अल्टीनेटर फिट होता है या डायनमो फिट होता है दोस्तों, लेकिन ये छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का मॉडल है इसलिए हमने छोटा डीसी मोटर को यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों। ये है देखिए वाटर स्टोरेज, इसके अंदर बहुत सारा वाटर रहेगा दोस्तों, यानी कि ये समझ लिए कि डैम है, वाटर स्टोर होने वाला डैम है। और ये डैम ऊँचा जगह पर होता है दोस्तों, तो इस तरह से समझ लिए कि ये डैम है ऊपर में। और फिर ये जो पाइप यहाँ से कनेक्ट है दोस्तों, और ये इस पे ये जो टरबाइन है इस पे वाटर फ्लो होगा। जब इस पे वाटर फ्लो होगा तो ये टरबाइन है कि वो बेसिकली रोटेट होगा ही होगा। देखिए जब इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर फ्लो होगी तो ये टरबाइन रोटेट होने लगेगा दोस्तों, देखिए। और ये इसमें बहुत सारा वाटर अवेलेबल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता कैसे है दोस्तों, तो आइए हम अभी आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यह है एलईडी बल्ब, हम इस एलईडी बल्ब को हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से हम जला के दिखाते हैं। तो आइए हम इसे एलईडी बल्ब को हम इस मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होता कैसे है। तो देखिए ये टरबाइन है और ये टरबाइन का शाफ्ट है, देखिए ये जो वाइट कलर का दिख रहा है वो टरबाइन का शाफ्ट है। और ये मोटर फिट है यहाँ पे, और मोटर का शाफ्ट और टरबाइन का शाफ्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एलईडी बल्ब, यहाँ पे हमने एक एलईडी बल्ब को फिट कर चुके हैं, देखिए। मेरा क्या, आई थिंक कि मेरा नस नस में एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं इसी के लिए ही तो पैदा ही हूँ। तो गाइज जब इस टरबाइन के ऊपर वाटर का फ्लो होगा, देखिए ये वाटर स्टोरेज था, जब इसके इस टरबाइन के ऊपर वाटर फ्लो होगा देखिए, तो ये टरबाइन रोटेट होने लगेगा। जब ये रोटेट होगा तो ये जो एलईडी बल्ब है वह ग्लो होने लग जाएगा। तो देखिए हम इसे रोटेट करवा के दिखाते हैं। तो देखिए ये एलईडी जो बल्ब है वो इस टरबाइन को रोटेट जब करते हैं तो एलईडी बल्ब देखिए ग्लो हो जाता है, देखिए इस पर अच्छा पता चलेगा दोस्तों, देखिए कैसे ग्लो हो रहा है। देखिए गाइज ये टरबाइन के ऊपर बहुत सारा पानी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर गिरता है दोस्तों। और जब ये बहुत स्पीड में ये रोटेट होने लगता है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा, तो गाइज इसका जो गति रहता है रोटेट होने के, बहुत ही ज़्यादा गति होता है दोस्तों। इसी के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।